Hello everyone, this is Shivani Prajapati and we are going to talk about Central Vigilance Commission of India. ये एक apex Indian governmental body है जो कि 1964 में बनाई गई थी ताकि government में जो भी corruption related issues होते हैं उनको resolve किया जा सके. 2003 में इसको statutory status मिल चुका था. ये एक autonomous body बन गई थी अब जो कि free of control है from any executive authority. अब इसके ऊपर क्या काम आ गया, इसके ऊपर एक जिम्मेवारी आ गई कि आपको सारा विजिलेंस एक्टिविटी देखनी है कि सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरीके से काम हो रहा है, क्या उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है जो कि अगेंस्ट द लॉ है, इलीगल एक्टिविटी है, करप्शन है. उस चीज़ को देखने के लिए विजिलेंस कमीशन बनाई गई थी, इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था. ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनका काम कैसे वो एग्जीक्यूशन कर रही हैं उनको रिव्यू करता है और परफॉर्म करता है अपना विजिलेंस वर्क. जो हमारे अभी करेंटली सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं उनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव. इनको अपॉइंट किया गया था 28 दिसंबर 2022 को. और अगर हम बताएं कि CVC रिपोर्ट किसको करती है, किसको वो अपने पूरे केसेस की फाइल्स जमा करती हैं, किसको रिपोर्ट करती हैं, किसको बताती हैं उसके बारे में जो भी उनकी फाइंडिंग्स होती हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, तो वो रिपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को. ओके, अपॉइंटर कौन होता है, कौन इनको अपॉइंट करता है, जो हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं इनका अपॉइंटर कौन होता है, ये होते हैं प्रेसिडेंट. और ये किसकी रिकमेंडेशन पे करते हैं, एक कमेटी की जिसमें PM जो हैं वो चेयरपर्सन होते हैं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स भी मेंबर होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन एंड लोकसभा मेंबर होंगे. सेटअप हुआ था ये पूरा सिस्टम 11 फरवरी 1964 को. कमिटी जिसने ये रिकमेंड किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा करप्शन चल रहा था देश के अंदर सारी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उस चीज़ को रोकने के लिए सरकार ने कहा कि आप एक कमिटी बनाएं जो कि हमें रिकमेंड करेगी कि हमें क्या करना चाहिए. तो उस कमिटी ने जो कि हेडेड थी बाय के संथानम, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि आप सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना सकते हैं जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि सारा विजिलेंस वर्क देखेगी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का. जो फर्स्ट चीफ विजिलेंस कमिश्नर रहे हैं हमारे, उनका नाम है नेत्तूर श्रीनिवास राव. ये कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है CVC जो करती है अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन, वो सिर्फ इतना होता है कि सिविल वर्क जो है गवर्नमेंट का उसको चेक करना, उसको रिव्यू करना, उसको एग्जामिन करना अच्छे से. तो एज सच कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है ये, बट हाँ कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है उसको ज़रूर देखती है. करप्शन इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल कैन ओनली प्रोसीड आफ्टर द गवर्नमेंट परमिट्स ऑर्डर. तो जो भी जैसे इन्होंने कुछ फाइंड किया है कि उस गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में ये हो रहा है, इस तरीके से काम हो रहा है, करप्शन हो रहा है, तो ये अपने से ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको रिपोर्ट करेंगे. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब तक परमिट ना कर दे एक्शन लेने के लिए तब तक ये कुछ नहीं कर सकते. ऑर्डिनेंस आया था 1998 में, क्योंकि एक पहले से ही एक रिकमेंडेशन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रही है, तो 1998 में नीड फील हुई कि हमें इसे स्टैट्यूटरी बॉडी बना देना चाहिए जो कि अपने रूल्स लॉज जो हैं खुद बना सके, इंडिपेंडेंटली काम कर सके. तो इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस देने के लिए फ्री फ्रॉम एनी वंस इंटरफेरेंस इसको पावर दी गई कि रिव्यू कर सकती है सारी प्रोग्रेस, जो भी इन्वेस्टिगेशंस हुई थी ऑफेंसेस में अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988. किसने की थी, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट. तो इन्होंने जो भी फाइंडिंग्स सीन की, जो भी कुछ इन्वेस्टिगेशन की थी उसको सुपरसीड कर दिया किसने, CVC ने. उनके ऊपर आ गई वो, स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया उनको बाय एन ऑर्डिनेंस. तो जो पुलिस, ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट की रिपोर्ट थी, जो फाइंडिंग्स थी और जो भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स थी, उसका काम अब किसको देखने को कहा गया, CVC को देखने के लिए कहा गया बाय एन ऑर्डिनेंस ऑफ 1998. तो एक तरीके से ये था कि इनको स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया 1998 में बाय एन ऑर्डिनेंस. पर फिर इनको फील हुआ कि हमें इसको एक बिल लाने की ज़रूरत है जो कि पार्लियामेंट से हो,
पार्लियामेंट का एक बिल लाने की ज़रूरत है ताकि हम इसको एक स्टेटस दे सकें इस ऑर्गेनाइजेशन को। तो 1998 में ही गवर्नमेंट ने इसका बिल इंट्रोड्यूस किया जो कि अनसक्सेसफुल रहा। फिर इसको बिल को दोबारा से री इंट्रोड्यूस किया गया कुछ चेंजेस करके 1999 के अंदर। ये बिल बहुत टाइम तक लोकसभा राज्यसभा में ऐसे ही रहा, मतलब पार्लियामेंट में इसको मंजूरी नहीं दी। फिर बाद में 2003 में सितंबर में जाके इसको पास कर दिया गया दोनों हाउसेस द्वारा, और बाद में सीबीसी जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन चुकी थी 2003 में। अब ये हमने ये तो देख लिया कि ये बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है एक अगर देखा जाए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है ये फॉर मेनी केसेस, और रिपोर्ट करती है सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और पार्लियामेंट को अबाउट द करप्शन केसेस। तो पर इसकी लिमिटेशंस भी हैं कुछ, तो लिमिटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सीबीसी जो है एक एडवाइजरी बॉडी है, वो अपने आप से कोई भी एक्शन नहीं ले सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स फ्री हैं कि वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं उनके रिकमेंडेशंस को, और वो डिनाई भी कर सकते हैं कि हम आपके रिजेक्ट करते हैं रिकमेंडेशंस, हमें नहीं करना है, हमारा जो गवर्नमेंट ऑफिस चल रहा है वो हमारे हिसाब से चल रहा है। तो दिस इज़ वेरी डिसएडवांटेजियस, यू नो। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो मैं बताऊँगी वो ये है कि बहुत ही स्मॉल सेटअप है ये ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी इसे होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि 1500 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इसके अंदर आते हैं, जिनको इनको सुपरवाइज करना होता है, पर सीबीसी बहुत स्मॉल सेटअप है। इससे मेरा तात्पर्य ये है कि इसमें सिर्फ 299 मेंबर्स हैं अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया। इसमें सिर्फ छोटा सा स्टाफ है जो कि लगभग 300 लोगों का है, और उसमें इनको 300 लोगों को 1500 डिपार्टमेंट्स का काम देखना, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो इस वजह से मैं ये कह रही हूँ कि एक बहुत स्मॉल सेटअप है और यही इसकी लिमिटेशन है। अगर इसको और थोड़ा सा बड़ा किया जा सके तो हो सकता है कि करप्शन केसेस में और कुछ चेंजेस लाए जा सके कि ये एक्शन ले सके, तो हो सकता है कि कुछ और भी अच्छा हमें देखने को मिले। सीबीसी जो है सुपरवाइजरी पावर रखती है सीबीआई के ऊपर, इट मींस कि अगर सीबीआई कुछ भी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं तो उनके ऊपर उनको सुपरवाइज करने की कि वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो पावर सीबीसी के पास है। बट वो कोई फाइल के लिए कॉल नहीं कर सकती सीबीआई को, और ना ही डायरेक्ट कर सकते सीबीआई को कि आपको अपनी इन्वेस्टिगेशन किस डायरेक्शन में लेके जानी चाहिए। ये एक लिमिटेशन है। सीबीआई जो है ना डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंडर आती है, तो कुछ भी अगर किसी ऑफिसर जो हैं सीबीआई के उनको अपॉइंट करना है, ट्रांसफ़र करना है या सस्पेंड करना है तो वो किसके हाथ में? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के हाथ में, वो सीबीसी नहीं कर सकती। और सीबीसी डजंट हैव द पावर टू रजिस्टर क्रिमिनल केस। तो किसी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में किसी ऑफिसर के अगेंस्ट वो क्रिमिनल केस भी नहीं फाइल कर सकते हैं। तो दीज वर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। कुछ इनिशिएटिव्स हैं, कुछ नई नई चीज़ें हैं कुछ जो कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन लेके आए हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब इनमें से दो चार के नाम मैं बता देती हूँ। नेशनल एंटी करप्शन स्ट्रैटेजी, दूसरा है लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी टू प्रिवेंट करप्शन। करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए, उसे रोकने के लिए बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट किया गया है। अवेयरनेस कैंपेन, लोगों में अवेयरनेस फैलाई गई है ताकि वो भी रिपोर्ट कर सके अगर कुछ भी इलीगली या फिर करप्ट ऑफिसर्स उनको देखने को मिलते हैं तो वो रिपोर्ट कर सकते हैं। प्रोविजन दिए हैं फॉर विसल ब्लोअर्स। अब विसल ब्लोअर्स क्या है मैं अभी बताऊंगी, उससे पहले पांचवी जो हमारा इनिशिएटिव है वो देख लेते हैं। पांचवा इनिशिएटिव, इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ विजिलेंस वर्क। कैसे विजिलेंस एक्टिविटी होती है उसको, उस प्रोसेस को इम्प्रूव करना। अभी मैंने बताया कि प्रोविजंस दिए हैं विसल ब्लोअर्स के लिए। विसल ब्लोअर्स क्या होते हैं, ये एक वर्ड है जो कि यूज़ किया जाता है उन लोगों के लिए जो कि करप्शन के बारे में सीबीसी को या फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को अलर्ट करते हैं कि यहाँ पे ऐसे ऐसे करप्शन हो रहा है, इलीगल एक्टिविटी हो रही है। वो विसल ब्लोअर्स होते हैं, मतलब सीटी बजाने वाले एक तरीके से। तो सीटी बजा के वो डायरेक्ट कर रहे हैं कि देखो यहाँ पे कुछ गलत एक्टिविटी हो रही है, इस पे ध्यान दें। तो विसल ब्लोअर्स वो लोग होते हैं जो कि स्पेसिफिकली
इस केस में सीबीसी को इन्फॉर्म करते हैं अबाउट इलीगल एक्टिविटीज और करप्शन एक्टिविटीज जो कि हो रही हैं किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में. तो विसल ब्लोअर्स को बहुत ज़्यादा अपनी जान का खतरा होता है, तो उसके लिए विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट आया था 2014 वाला, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014. ये एक एक्ट है जो कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का है, जो कि प्रोवाइड करता है एक मैकेनिज्म ताकि इन्वेस्टिगेशन की जा सके जो भी करप्शन केसेस हैं उनमें, और ये ध्यान में रखा जाए कि कोई भी मिसयूज ना करे अपनी पावर का जो कि पब्लिक सर्वेंट्स हैं. और प्रोटेक्ट भी किया जाता है उन लोगों को जो कि अलर्ट करते हैं सीबीसी को अगेंस्ट द रॉन्ग डूइंग्स इन गवर्नमेंट बॉडीज प्रोजेक्ट्स एंड ऑफिसेस. ओके सो और इस एक्ट में एक और चीज़ है बहुत ही अच्छी कि अगर आप मान लो कॉमन सिटीजन हो आप या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हो और आपको अपने डिपार्टमेंट की कोई ऐसी एक्टिविटी पता चलती है जो कि जिसमें करप्शन आपको दिखाई दे रहा है तो आप सीबीसी को ज़रूर कंप्लेंट कर सकते हैं. पर अगर आपकी कंप्लेंट फॉल्स निकलती है या आपके पास कोई सबूत नहीं है, इन दैट केस पनिशमेंट आपकी जो रिपोर्ट है वो फॉल्स बताई जाएगी, उस वो गलत कंप्लेंट है और उस केस में इस एक्ट के अकॉर्डिंग आप ही के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा क्योंकि आपने एक तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन दी है सीबीसी को, सीबीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को. तो दोनों तरफ से है बात, आप किसी के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे करप्शन हो रहा है और करप्शन नहीं है तो भी आपके ऊपर बात आ सकती है. सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडे. सीबीसी के बारे में यही था, अच्छी है ऑर्गेनाइजेशन, एडवांटेजेस हैं पर डिसएडवांटेजेस भी हैं. तो दैट वाज ऑल व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू. होप कि आप लोग को पसंद आया होगा ये टॉपिक. ऐसे ही टॉपिक्स और देखने के लिए लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.